हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करी विद कमल। तो नवरात्रि स्पेशल में आज हम बनाएंगे साबूदाना आलू की स्वादिष्ट टिक्कियाँ। ये मैंने 4 बॉइल्ड आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। 1/4 कप जितना साबूदाना मैंने 2 घंटे तक भिगो लिया था और बाद में छन्नी में छान के इसको ले लिया है। स्वाद अनुसार सेंधा नमक, 4 से 5 हरी मिर्च बारीक चॉप्ट की हुई, थोड़ा सा अदरक बारीक चॉप्ट किया हुआ, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, अगर आप धनिया खाते हो व्रत में तो थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए। ये मैंने एक बोल में मैश किए हुए आलू ले लिए हैं। अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे, नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब हम टिक्किया बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेके हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि चिपके ना। अब आपको जैसी भी पसंद हो छोटी बड़ी ऐसी टिक्किया बना के तैयार कर लीजिए। मैं थोड़ी सी बड़ी टिक्की बनाऊंगी क्योंकि टिक्किया बड़ी अच्छी लगती है। अब दोनों हाथों से अच्छे से रोल करके मैं इसको हल्का सा प्रेस करूंगी और राउंड शेप दे दूंगी। देखिए, ये हमारी टिक्की रेडी है। इसी तरह से हम बाकी की सारी टिक्कियां रेडी कर लेंगे। ये मैंने सारी टिक्कियां बना के रेडी कर ली है, तो चलिए अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये मैंने एक नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे से फैला लेंगे, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और अब हम एक एक करके टिक्कियों को फ्राई होने के लिए रख देंगे। आपके पैन में जितना स्पेस हो उस हिसाब से आप टिक्कियां रखें जिससे कि इसको पलटने में भी आसानी रहेगी। देखिए, तकरीबन 4-5 मिनट में ही टिक्कियाँ नीचे से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको एक एक करके पलट लेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको नीचे की साइड से भी अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। 4-5 मिनट के बाद ये टिक्कियाँ नीचे से भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम टिक्कियों को निकाल के एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख देंगे। देखिए, ये हमारी टिक्की कितनी अच्छी बनी हुई है। इसी तरह से हम बाकी की सारी टिक्कियों को भी शैलो फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारी गर्मा गर्म साबूदाना आलू की मजेदार टिक्कियां। इसे चटनी के साथ सर्व करें तो इस नवरात्रों पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कैसी बनी थी। तो चलिए, जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।